नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न 11 हम करने जा रहे हैं। बच्चों, वैसे तो यह प्रश्न केवल बड़ा सिंपल है, निम्न कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है और अपने कारण सहित उत्तर की पुष्टि करनी है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि बहुत सारी गाइडों में और ऑनलाइन इस प्रश्न के उत्तर आपको गलत बताए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। इस प्रश्न के उत्तर आप किसी गाइड से करने का प्रयास मत करना, क्योंकि बहुत जगह गलत उत्तर दिए जाते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा सभी भागों को अच्छे से समझाने की। पहला भाग है, टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, टैन ए किसके बराबर है? टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। कहा जा रहा है कि इसका मान हमेशा एक से कम होगा। एक से कम का मतलब यह है कि परपेंडिकुलर छोटा होगा, बेस बड़ा होगा, तभी बेस परपेंडिकुलर को बेस से भाग करने पर एक से छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन हम देखते हैं ये समकोण त्रिभुज ही तो है, इसमें कभी भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर हो और बेस 3 सेंटीमीटर हो या 4 सेंटीमीटर हो, तो 8 बटा 4 2, यानी टैन ए एक से बड़ा आ गया। तो जिस भी त्रिभुज में परपेंडिकुलर लंबा होगा, बेस छोटा होगा, वहां पर P अपॉन B का जो मान आएगा वह हमेशा एक से बड़ा ही आएगा। इसलिए यह कहना कि टैन A का मान सदैव एक से कम होता है, यह असत्य है। ठीक है, कारण क्यों असत्य है? क्योंकि जिस त्रिभुज में परपेंडिकुलर बड़ा होगा वहां पर हम लिखते हैं, यदि P बड़ा है यानी परपेंडिकुलर बड़ा है, तो P अपॉन B का मान एक से बड़ा होगा। बच्चों आप देखना, किसी गाइड में आपको यह उत्तर नहीं मिलेगा या रीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गलत लॉजिक्स लगाए होते हैं, गलत रीजन आपको दिए होते हैं। तो आशा करता हूं आप सही चीज ही पढ़ेंगे और सीखेंगे। बच्चों दूसरा भाग है, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर 12 बटा 5। अब हम देखते हैं सीकेंट ए का फॉर्मूला। सीकेंट किसके बराबर होता है? सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस यानी कि एच अपॉन बी। हमसे कहा गया कि किसी भी कोण ए के लिए एच अपॉन बी यानी कि 12 बटा 5 होगा, यानी हाइपोटेन्यूज 12 और बेस 5 होगा। तो यह संभव है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज बेस से हमेशा बड़ा होता है। तो यह सत्य है, क्योंकि एच बी से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए भाग 3 यानी तीसरा भाग, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि कोस ए का मतलब कोसेकेंट ए नहीं होता, कोस ए का मतलब होता है कोण ए के कोसाइन। ठीक है, यह असत्य है। कॉस ए का अर्थ है कोण ए का कोसाइन, ना कि कोसेकेंट, इसलिए यह असत्य है। इसके बाद बच्चों इसका चौथा भाग, कोट ए कोट और ए का गुणनफल यानी कोट ए का मतलब कोट गुना ए, असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि कोट ए का अर्थ है कोटेंजेंट कोण ए का कोटेंजेंट या कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोट ए का अर्थ है कोण ए का कोटेंजेंट, ना कि कोट गुना ए, इसलिए यह असत्य है। इसके बाद पांचवा भाग है, किसी भी कोण थीटा के लिए
साइन थीटा बराबर 4/3। तो बच्चों देखिए, साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो इससे परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज होगा बड़ा 3, यानी कि परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा। यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि बेटा एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए यदि हम कहें कि साइन थीटा 4/3 होगा, जहां पे परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 होगा, यह असत्य है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है, यह असत्य है। तो बच्चों देखो, हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको सही लॉजिक्स के साथ यह सत्य और असत्य बताया जाए। बहुत से बच्चों को लगता है कि सत्य असत्य तो बड़ा आसान सा काम है, चाहे सत्य लिख दो चाहे असत्य लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सही लॉजिक भी साथ में देना है, तभी आपको उस प्रश्न में मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने यह 11वां प्रश्न किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न के पांचों भाग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि आप इस प्रश्नावली के तथा अन्य प्रश्नावलियों के प्रश्न अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।